दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में हाजिर हूँ एक और नई बड़ी भर्ती की जानकारी के साथ। दोस्तों, जिस वैकेंसी का आप लोगों को इंतजार था वो वैकेंसी आ चुकी है, तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पटवारी भर्ती के बारे में। दोस्तों, सबसे अवेटेड ये जो भर्ती थी यहाँ पे जारी हो चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC की ये वैकेंसी है, हरियाणा सरकार की वैकेंसी है और आज ही इसका नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। 14 जून से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 28 जून इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। फीस डिपॉजिट आप कर सकते हैं 1 जुलाई तक। अब यहाँ पर दोस्तों, हम आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर बता रहे हैं। टोटल जो वैकेंसी हैं 588, ठीक है, 588 पदों के लिए वैकेंसी पटवारी की निकल चुकी है, ठीक है। अब इसमें फॉर्म को जो भरने का प्रोसीजर बता रखा है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा HSC की वेबसाइट से। आप इसमें इजीली यहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बताया गया है, इसके अलावा स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, वो आप पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट मिल जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी सीटें देख सकते हैं, डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। 588 टोटल वैकेंसी हैं, ठीक है। अब इसमें जनरल का 254 मिल रहा है आप लोगों को, SC का 104, BCA का यहाँ पर मिल रहा है 100, BCB का 70, EWS को भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, तो यहाँ पर 60 वैकेंसी EWS को मिल रही हैं। इसके अलावा नॉन ESM, ESP ये अब जो हरियाणा की जो कैटेगरी हैं इनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट आप होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, हिंदी संस्कृत या आपके पास मैट्रिक में सब्जेक्ट होना चाहिए, ये सभी के पास होता है। एज यहाँ पर 17 से लेके 42 वर्ष तक, ठीक है, 17 से लेके 42 वर्ष तक एज होनी चाहिए। वेतनमान काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अपर एज यानी कि ऊपरी आयु सीमा में जो छूट है SC, यहाँ पर SC को दी जाती है। इसके अलावा बैकवर्ड क्लास, ठीक है, इनको 5 साल की छूट दी जा रही है। इसके अलावा और जो कैटेगरियाँ हैं, विकलांग कैंडिडेट हैं तो उनको भी यहाँ पर दी जा रही है कैटेगरी वाइज। एक्स सर्विस मैन को भी दिया गया यहाँ पर 3 साल का, ठीक है। और यहाँ पर जो विडो हैं और ये यहाँ पर जो तलाकशुदा हैं उनको 47 वर्ष तक इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है, महिलाओं के लिए। डिटेल्स और फीस, तो फीस यहाँ पर जो कैटेगरी नंबर एक है उसके लिए जो मेल फीमेल है जनरल, वहाँ पे 100 रुपये फीमेल की यहाँ पर 100 रुपये लगने वाली है, हरियाणा के फीमेल हैं तो। इसके अलावा SC का यहाँ पर अगर मेल है SC में तो 25, फीमेल के लिए 13 रुपये। इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्टेड हैं, एक्स सर्विस मैन हैं हरियाणा, इनको कोई भी यहाँ पर फीस नहीं देनी है। तो यहाँ पर नाम मात्र की फ़ीस है 100 रुपये, अन्य राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको 100 रुपये का यहाँ पर भुगतान करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दिया गया, एक लाइन भी दिया गया, ऑल द अबव रिलैक्सेशन आर हरियाणा स्टेट डोमिसाइल ओनली, ठीक है। तो आप अगर अदर स्टेट के हैं तो इसमें आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप जनरल का कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रिटर्न टेस्ट के बारे में बताया गया है, तो 90 नंबर का रिटर्न टेस्ट होगा और 10 नंबर का सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है जो यहाँ पर हरियाणा में लगाया गया, बहुत अच्छा है यहाँ पर। अब 75 नंबर का जो आपका है वो जनरल अवेयरनेस आएगी 75%, ठीक है। रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी, साइंस आएगी, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी और आपका यहाँ पर ये आने वाला है 25% जो वेटेज है उसमें हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, जियोग्राफी, इसके अलावा सिविक्स भी आएगा, इन्वायरमेंट आएगा, कल्चर ऑफ हरियाणा, ठीक है, ये चीज़ें आने वाली हैं। अब इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो सोशियो इकोनॉमिक जो इन्होंने क्राइटेरिया यानी कि 10 नंबर अलग से जो मिलते हैं उसके लिए अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हैं। अगर आप अनाथ हैं, माता है, पिता नहीं है, तो इस तरीके से भूमिहीन है, परिवार में कोई नौकरी नहीं है, तो ये क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड किया हुआ हरियाणा गवर्नमेंट के, इसको तो इसके अधिकतम आपको 10 नंबर मिल सकते हैं, अदर स्टेट वालों को ये 10 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको ज़रूर आवेदन करना है। टेस्ट की डेट भी यहाँ पे जारी कर दी है 13 जुलाई से लेके 18 अगस्त तक, ठीक है, ये इसके मध्य आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है, या तो वो ऑनलाइन होगा या फिर OMR बेस्ट, इसमें दोनों ही कंडीशंस दी गई हैं, ऑफलाइन भी लिया जा सकता है या फिर ऑनलाइन भी लिया जा सकता है एग्ज़ाम आपका, ठीक है। ये चीज़ें हैं दोस्तों आपको, तो फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सेंड करिए और ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। 588 टोटल वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों को मिल रही हैं, अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, तो उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को PDF फाइल मिलेगी, वहाँ से इसे डाउनलोड करें और पढ़ें और उसके बाद आवेदन करें। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।